मिर्जापुर गांव में सुमित्रा और मीना नाम की माँ बेटी रहती थी। दोनों मिलकर जंगल में लकड़ियाँ काटकर उनको बेचा करती थी। इस तरह कमाए हुए पैसों से मीना ने इंटर तक पढ़ाई की थी और उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। मीना के बाल बहुत लंबे थे और वो बहुत सुंदर थी। उसके लिए उसकी माँ रिश्ता देख रही थी। ये जानकर कविता और राधा नाम की उसकी सहेलियाँ उसे चिढ़ाती रहती है। मीना, तुमसे शादी करने वाला सिर्फ सुंदर और धनवान ही नहीं, बैंक मैनेजर हो तो अच्छा है। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? हाँ मीना, तुम्हारे बालों की देखभाल के लिए होने वाले खर्च से धनी आदमी का भी दिवाला निकल जाएगा। बैंक मैनेजर हो तो तब रुपए मैनेजर का कहना मानेंगे, फिर वो तुम्हारे बालों के खर्च के लिए नई स्कीम बनाकर फंड मंजूर करवाएगा। इस तरह तीनों बातें करते हुए हंस रही थी। तभी वहाँ एक भूतनी प्रकट होती है। उस भूतनी के हाथ में कंघी और कैंची है। तब वो बैंक मैनेजर भी दिवालिया हो जाएगा। कहकर भूतनी हंसने लगती है। भूतनी को देखकर तीनों डर जाती है। डरो मत, मुझे जो चाहिए वो मुझे दे दिया तो मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूंगी। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे लंबे बाल मेरे पास नहीं है तो किसी के पास नहीं रहने चाहिए। ऐसा कहते हुए उसके हाथ में पकड़ी हुई कंघी और कैंची दिखाती है। बस फिर क्या था, तीनों भागने लगती है। पर मीना के बाल लंबे होने के कारण भूतनी बाल पकड़कर उसे रोक लेती है। मेरा काम पूरे हुए बगैर तुम्हें कैसे छोड़ दूँ? नहीं, नहीं, मेरे बाल मत काटो, मेरी शादी होने वाली है, बिना बालों के मैं अच्छी नहीं लगूंगी ना। शादी तुमसे करेगा या तुम्हारे बालों से? ऐसा कहकर मीना के पूरे बाल काट देती है। इस तरह भूतनी गांव की लड़कियों के बाल काटती ही रहती है। गांव की बाल कटी सब लड़कियां गांव की सरपंच रमन अम्मा के पास जाती हैं। सरपंच बहन, बाहर आई, सारी लड़कियां बिना बालों के परेशान हैं। आप अंदर क्या कर रही हैं? भूतनी ने मेरे बाल भी तो काट लिए, मैं अपना दुखड़ा किससे कहूँ? रमन अम्मा ने दुखी होकर कहा। इस तरह दिन बीत रहे हैं। मीना लकड़ियों के लिए जंगल जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर दुखी होकर रोने लगती है। तभी पेड़ पर बैठी स्क्विड गुड़िया मीना के सामने आ जाती है। उसे देखकर मीना डर जाती है। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, तुम दुखी क्यों हो ये बताओ। तब मीना बाल काटने वाली भूतनी के बारे में बताती है। दुखी मत हो, तुम्हारे बाल वापस आएंगे, पर थोड़ी देर लगेगी। मैं उसी रास्ते जाकर उस बाल काटने वाली भूतनी को एक सबक सिखाकर आती हूँ अभी। ऐसा कहकर वो अपने पास की शक्तियों से बड़े बाल बनाकर गांव में घूमती हुई जाने लगती है। भूतनी लंबे बाल देखकर उसके बाल काटने आ जाती है, पर बाल काटने पर भी बाल बढ़ते ही जाते हैं। अरे ये क्या, ये लड़की कौन है? काटने पर भी इसके बाल बढ़ते ही जा रहे हैं, ये लड़की है कौन? ये सुनकर स्क्विड गुड़िया हंसती हुई भूतनी को देखती है। बाल क्यों नहीं काट रही हो? कैंची खराब हो गई या कंघी परेशान कर रही है? कौन हो तुम? तुम्हारे बाल काटने आई हुई गुड़िया, यही समझ लो। बाल काटोगी कहाँ से, जब है ही नहीं। बाल नहीं थे तभी तो मैंने आत्महत्या कर ली थी। भूतनी बनकर अब सबके बाल काट रही हूँ मैं। सबके बाल काट रही हो, इसीलिए मैं तुम्हारा सिर मुंडूंगी। कहते ही स्क्विड गुड़िया के हाथ में कंघी और कैंची प्रकट होती है। नहीं नहीं, मैं जिसके बाल उसको लौटा कर चली जाऊंगी, मैं फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। ऐसा कहकर भूतनी गायब हो जाती है। मीना, राधा, कविता सबके बाल वापस आ जाते हैं और वो सब फिर से खुश हो जाती हैं। एक गांव में सीनैया और गंगम्मा नाम के दंपत्ति रहते थे। उनके पास आजीविका के लिए कोई साधन न होने के कारण परेशान रहते थे। एक दिन एक बछड़ा उनके घर के पास आकर रोता हुआ आंख से आंसू बहाता है। सीनैया बाहर आकर देखता है, तब आंसू बहाते हुए बछड़े को देखकर
उसके सिर पर हाथ रखकर सहलाता है। तब वो बछड़ा चलते हुए आगे बढ़ता है, सिनैया भी पीछे पीछे जाता है। तब वहाँ एक पेड़ के नीचे मरी हुई गाय पड़ी है। ये देखकर सिनैया दुखी होता है। तुम्हारी माँ मर गई है, करके दुखी मत हो, मैं तुम्हारी देखभाल अपने बच्चे की तरह करूंगा। ऐसा कहकर बछड़े को घर लेकर आता है। फिर उसका नाम सिरी रखकर अपने बच्चे की तरह उसकी देखभाल करता है। इस तरह अब बछड़ा बड़ा हो गया है और गाय बनकर गर्भवती है। ये जानकर सिनैया और गंगम्मा बड़े खुश होते हैं और सिनैया सिरी से कहता है, सिरी बेटा, मरी हुई तुम्हारी माँ ही तुम्हारे पेट से फिर से पैदा होगी, तुम जितना चाहो उतना उसे प्यार देना। ये सुनकर सिरी खुश होते हुए हाँ कहते हुए सिर हिलाती है। तभी उनको कर्ज देने वाला रुद्रैया उनके घर आकर, सिनैया, मेरा कर्ज चुकाते हो या तुम्हें 10 लोगों के सामने बेइज्जत करूं? अरे नहीं नहीं, थोड़े दिन की मेहलत और दे दो, जरूर चुका दूंगा। इस तरह सिनैया मिन्नतें करता रहता है। रुद्रैया बिल्कुल मोहलत नहीं दूंगा कहकर चिल्लाता रहता है। तभी रुद्रैया की नजर गर्भवती गाय सिरी पर पड़ती है। तुरंत ही वो मन ही मन सोचने लगता है, तुम्हें रुपए वापस करने की जरूरत नहीं, मैं इस गाय को ले जाकर बेच देता हूँ, तुम्हारा उधार चुक जाएगा। नहीं नहीं, गाय गर्भ से है, इसको बेचना अच्छी बात नहीं होगी। तुम बेचकर कर्ज चुकाओगे या मैं ही ले जाकर बेच दूं? अभी बता दो। मैं ही बेचकर आपका कर्ज चुका दूंगा, 2 दिन की मोहलत दे दो। ये सुनकर रुद्रैया चला जाता है। इतने दिन बच्चे की तरह पालते हुए गाय को खुद ही जाकर बेचना पड़ेगा, ये सोचकर दोनों दुखी होकर गाय के पास जाकर रोने लगते हैं। आपके इस तरह मैं काम आऊं, ये मेरे लिए खुशी की बात है, आप मुझे बाजार में ले जाकर अवश्य बेच दें। सिनैया के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो गाय को बाजार में बेचने ले जाता है। रास्ते में जंगल से गुजरते हुए काफी सारी घास पड़ती है और सिरी उन्हें चरती हुई आगे बढ़ती है। आगे जाने पर रेलगाड़ी का ट्रैक पड़ता है और सिनैया का पैर उसमें फंस जाता है। वो दर्द से कराहने लगता है, गाय घबरा जाती है। तभी दूसरी ओर से तेज हॉर्न मारती हुई रेलगाड़ी आती हुई दिखाई देने लगती है। सिनैया पैर निकालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन पैर और फंसता ही चला जाता है। जोर से बाबू, जोर से प्रयत्न करो। तभी गाय को पास ही लाल कपड़ा दिखाई देता है। तब वो उस कपड़े को लेकर पटरी की ओर दौड़ती है। ये देखकर ड्राइवर रेल को रोक देता है और ट्रेन से नीचे उतरकर उन दोनों के पास आता है। इस तरह गाय सिनैया को बचाकर शाम तक घर पहुंचती है। तब से सिनैया रुद्रैया को गाय बिना बेचे कर्ज चुकाने की तरकीब सोचता है। सिनैया एक दिन गाय चराने जंगल लेकर जाता है। दुखी होकर पेड़ के नीचे बैठा है। ये देखकर गाय भी दुखी होती है। वो एक पेड़ के नीचे एक साधु को ध्यान करते हुए देखती है। तब वो उनके पास जाती है और अपना दुखड़ा सुनाती है। ये सुनकर साधु अपनी शक्ति से विभूति वाले पानी की सृष्टि करते हैं। गौ माता, तुम इस पानी को पी लो, थोड़ी देर में तुम सोने की गाय में बदलकर उनका दुख दूर कर सकोगी, अवश्य ही कर सकोगी। इस तरह उस पानी को पीकर वो गाय सिनैया के साथ घर आती है। इस तरह वो दिन गुजर जाता है। दूसरे दिन गर्भवती गाय सोने की गाय बन जाती है। ये देखकर सिनैया और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं।
तब गर्भवती गाय मुंह से सोना निकालकर उनको देती है। इस सोने को बेचकर उन रुपयों से अपने दुख दूर कर लो और सुखी रहो। सीनैया दंपति सोना बेचकर रुद्रैया का कर्ज चुका देता है। इस तरह अच्छे से रहते हुए गाय की भी खूब अच्छे से देखभाल करते हैं।